हेलो फ्रेंड, आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक जो है किस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे 982 से लेकर के 853 के बीच में स्टॉक यहाँ पर रेंज बना करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, एक साइडवेज मूवमेंट करते हुए। तो फ्रेंड, यहाँ पर आज के दिन हमें गिरावट देखने को मिली है, क्या यहाँ से फिर रिकवरी होगी या फिर यहाँ से गिरावट कंटिन्यू हो सकती है, इस पर हम कर लेते हैं चर्चा। तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा, आपके सामने यहाँ पर जो चार्ट प्रेजेंट किया गया है, यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, यहाँ पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हम देखते हैं स्टॉक ऊपर की तरफ 1000 रुपये के आसपास था, यहाँ देखेंगे यहाँ से गिर करके स्टॉक नीचे आता है। नीचे कहाँ तक गिरावट होती है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से स्टॉक गिर करके सीधा नीचे कहाँ तक आया तो हमने देखा स्टॉक एक बार फिर से लगभग 880 रुपये के आसपास आने की कोशिश करता है, फिर से 950, फिर लगभग 880 के आसपास, और यहाँ से स्टॉक में होती है तेज़ी 982 रुपये तक स्टॉक में होती है फिर से गिरावट, और ये गिरावट स्टॉक को 853 रुपये तक लेकर के जाती है। फिर से स्टॉक के अंदर आती है तेज़ी 950 प्लस की, फिर से हुई गिरावट कहाँ तक, 853 तक। इस तरह से स्टॉक यहाँ पर आगे की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ये देखिएगा इस रेंज को फॉलो करते हुए स्टॉक फिर से ऊपर पहुंचा, लगभग 975 तक जाने के बाद एक बड़ी गिरावट दिखती है जो कि स्टॉक को 825 के भी नीचे लगभग 820 के आसपास लेकर के आती है। यहाँ से हम देखते हैं स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलता है और अपनी रेंज में पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ये देखिएगा इसकी रेंज कहाँ थी पहले, 860 रुपये के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे सपोर्ट आपको देखने को मिले, इस सपोर्ट को तोड़ करके ऊपर जाने के लिए इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिलता है और फाइनली यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ चला भी। ये देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ऊपर की तरफ चलने के बाद स्टॉक फिर से आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए स्टॉक ऊपर चला एक बार फिर, आज के दिन स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। यदि कल के दिन स्टॉक फिर नीचे आएगा तो फिर से आपको 825 820 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन यदि यहाँ से कोई रिवर्सल होता है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। नीचे की तरफ आपको ध्यान रखना है, 825 आपका स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर की तरफ जो टारगेट है वो 925, 950 और 975, तीन टारगेट रख करके आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं।